थोड़ी देर पहले लैंडलाइन नंबरों पे फ़ोन आया कि हमारे ये जो नेक्सा से पीड़ित लोग घर पे आए हुए हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, हम महिलाएं हैं, यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए पुलिस भेजो, कहीं से बुलाओ, जयपुर से बुलाओ, सीकर से बुलाओ। मैं लक्ष्मणगढ़ गया हुआ था, वहाँ से रवाना होकर फ़ोन आया तो मैं थाने में आया, थाने से वो जाकर लेकर तुरंत मौके पर आ गया। उससे पहले मैंने फीडबैक ले लिया था क्या इशू चल रहा है, बाकी फीडबैक में थन के मिलो कोई दुर्वा की ये की कोई घटना मिलेगी, सूचना मिलेगी घटना की, ऐसा तो कोई क्लियर तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन यही है कि 30-40 गाड़ियां हैं, 200-400 करीब लोग हैं बाहर के, हनुमानगढ़ सीकर जयपुर जो सारे नेक्सा से पीड़ित हैं, ये इनके घर पे धरना दे रहे हैं। तो अभी ये लोग धरना दे रखे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं जब तक हमारा पिस्सा ही या फिर बन पूर्णतया एक आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं मिला वो तो मैं उठ के जाऊंगा। तो एक मायने पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही? पुलिस प्रशासन की, मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मेरी कानून व्यवस्था बनाए रखने की का रोल रहेगा मेरा। कानून व्यवस्था के अंदर सारे ये पढ़े लिखे लोग हैं, सारे नौकरी पेशे वाले हैं, मैंने जो अभी तीन शब्द बोले तो उन्हीं में सब कुछ कवर हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट किया अभी तो समझाऊंगा, अभी सब कुछ होगा, पैसा पैसा की तरीके से आएगा, जो कैप्टन साहब अभी बोल भी रहे थे, बाकी पीड़ितों के साथ न्याय होगी और इनकी जो भी है FIR है वहाँ पर अपना मैक्सिमम बयान एविडेंस कलेक्शन करें। दूसरा जो पहलू है उनको पकड़ना, वो जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो SHO, डिप्टी SP, DG, गवर्नमेंट, इंटरपोल, सब कुछ जानते हो आप, तो उस चैनल से काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं कानून व्यवस्था बनाए रखने की मेरी प्राथमिकता है। बड़ा स्कैम किया था, तुम किस पैसे के बल पर जी रहे हो, इसलिए हम यहाँ रुकना चाहते हैं, और रुकने का मकसद सिर्फ ये है कि कम से कम उनके ऊपर ये प्रेशर रहे और समाज के लोग देखे कि जिससे कि लोग इस प्रकार के से हतोत्साहित हो कि कल जाकर के हमारे परिवार और ये भी। और मैं माफ़ी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन फौजियों ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा करके इतना पैसा खींचा है, क्या वो उनको खाने देंगे या उनका परिवार आराम से रह सकता है? नहीं साहब, यह हो ही नहीं सकता। उस सर्वशक्तिमान का जो न्याय है, बेशक देरी से मिले लेकिन ज़रूर मिलेगा लोगों को। ईमानदारी का पैसा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब आपके साथ में कितने आपके साथ में फोर्स के बंदे आए हैं, कैसे कैसे वो ड्यूटी करके आए, आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ उनको सुबह से एंगेज कर रखा होगा, लेकिन आप आए तो उनको पीछे आपके आना पड़ा है। रात को भी उनको सर्कुलेशन करना पड़ेगा इलाके का, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखो कि कैसे उन्होंने पैसा कमाया होगा, एक एक व्यक्ति ने मेहनत का पैसा लगाया, बैंक के थ्रू RTGS किया। ऐसा नहीं है कि सब लोग करप्ट हैं, मैं किसी जाति किसी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, एक नालायक हो सकता है, दो नालायक हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमारा बचाव हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सब लोगों का किसी का कुछ नहीं कह सकता। ये हमने सुबह जब हम इकट्ठे हुए थे तब भी हमने ये बोला था कि मेहरबानी करके एक स्कैम हो चुका है, लेकिन ऐसा अभद्रता की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमारी शेखावाटी के लोग, गांव के लोग, और एक गलत मैसेज जाए। जहाँ जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, आप हमारी बात सुन रहे हो, इसलिए सुन रहे हो कि हम आपसे सहज तरीके से आपको निवेदन कर रहे हैं, और ये मेरा निवेदन, आप हमारी सबकी भावनाओं को समझते हो, मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ होने से क्या है कि कोई भी हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की कार्रवाई से हम बच जाएंगे। ये आपसे निवेदन।